प्रोफेशनल एथिक्स के इस लेक्चर सीरीज में आज हम कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक को नोट्स के साथ विथ सिंपल एक्सप्लेनेशन और कुछ केस लॉज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर प्रोफेशनल एथिक्स के पेपर में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी और आपके पास नोट्स भी होंगे जो आपको एग्ज़ाम में एक अच्छा मार्क्स सिक्योर करने में हेल्प करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट क्या है? देखो, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है न्यायालय की अवमानना करना। कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है बीइंग डिसओबीडिएंट और शोइंग डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट, टुवर्ड्स एनी जजमेंट, डिक्री, रूलिंग पास्ड बाय कोर्ट। जब आप कोर्ट के किसी जजमेंट, किसी ऑर्डर, किसी रूलिंग, किसी डिक्री या कोर्ट के किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट अपना डिसरेस्पेक्ट शो करते हो और कोर्ट के किसी ऑर्डर, डिक्री, रूलिंग या जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिसओबे करते हो, तो आपका ये पर्टिकुलर एक्ट कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है। व्हाट इज कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट? देखो, इसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर एक्ट है, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के एग्जैक्ट मीनिंग को डिफाइन नहीं करता है और ना ही उन सभी एक्ट्स के बारे में बात करता है जिन एक्ट्स को हम कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में रख सकते हैं, राइट? तो अगर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, जिसमें आप इन ब्रीफ कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट क्या है उसे बता दोगे। सबसे पहले आप लिखोगे कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट इज नोवेयर डिफाइंड इन कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। राइट, लेकिन आगे आप लिखोगे कि द जनरल मीनिंग ऑफ कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट तो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का लिटरल मीनिंग क्या हो सकता है? कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का लिटरल मीनिंग हो सकता है बीइंग डिसओबीडिएंट, बीइंग डिसओबीडिएंट और डिसरेस्पेक्टफुल, और डिसरेस्पेक्टफुल, बीइंग डिसओबीडिएंट और डिसरेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एनी जजमेंट, towards any judgment, decree, order, ruling or any judicial proceedings of court. ठीक है, तो contempt of court का जनरल मीनिंग यही है कि बीइंग डिसओबीडिएंट और डिसरेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एनी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, रूलिंग और एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट, राइट? तो एक बात तो क्लियर है कि कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के एग्जैक्ट मीनिंग को और
उन सभी एक्ट्स जिन्हें हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में रख सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में नहीं दिया गया। एक बात कंफर्म। अब देखो, हमारा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है वो दो तरह के कंटेम्प्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है, पहला सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट, राइट। तो ये हो गया। आगे आप लिखोगे इंट्रोडक्शन में ही आप लिखोगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 रिकॉग्नाइजेस टू काइंड्स ऑफ कंटेम्प्ट, टू काइंड्स ऑफ कंटेम्प्ट, ठीक है, पहला सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 दो तरह के कंटेम्प्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है, पहला सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। आगे आप लिखोगे कि सिविल कंटेम्प्ट को डिफाइन किया गया है हमारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के सेक्शन 2B में, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2C में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है इसे डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 दो तरह के कंटेम्प्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है, पहला सिविल कंटेम्प्ट जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है, और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के सेक्शन 2C में डिफाइन किया गया है। आइए समझते हैं। सबसे पहला है हमारा सिविल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट देखो, सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होता है बीइंग, सिविल कंटेम्प्ट मींस विलफुल डिसोबीडियंस, राइट, ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर और एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। देखो, जब आप कोर्ट के किसी जजमेंट, किसी ऑर्डर, किसी रूलिंग या कोर्ट के किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग को जानबूझ के अवज्ञा करते हो, यानी जब आप कोर्ट के किसी ऑर्डर, किसी रूलिंग, किसी डिक्री या किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का जानबूझकर अवज्ञा करते हो तो वो सिविल कंटेम्प्ट कहलाता है। आगे कह रहा है, और विलफुल ब्रीच ऑफ एनी अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट, आपने कोर्ट को कोई प्रॉमिस किया था और आप जानबूझ के अब उस प्रॉमिस को तोड़ रहे हो, तो विलफुल ब्रीच ऑफ एनी अंडरटेकिंग्स गिवन टू द कोर्ट टर्म्ड एज सिविल कंटेम्प्ट, ठीक है। तो सेक्शन 2B सिविल कंटेम्प्ट के बारे में बात करता है, और सिविल कंटेम्प्ट का सिंपल सा मतलब है विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी ऑर्डर, रूलिंग, डिक्री और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट। और विलफुल ब्रीच ऑफ एनी अंडरटेकिंग्स का मतलब होता है प्रोमिसेस, और विलफुल ब्रीच ऑफ एनी अंडरटेकिंग्स गिवन टू द कोर्ट,
गिवन टू द कोर्ट क्या कहलाएगा? सिविल कंटेम्प्ट कहलाएगा। तो लिख लो, सिविल कंटेम्प्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, राइट। इसका मतलब है विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी ऑर्डर, रूलिंग, डिक्री और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट, और विलफुल ब्रीच ऑफ एनी अंडरटेकिंग्स गिवन टू द कोर्ट, राइट। चलिए अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है, आइए उसे समझ लेते हैं। दूसरा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, देखो क्रिमिनल कंटेम्प्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2C ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। देखो बार बार मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के साथ ईयर भी मेंशन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आप बार बार इस चीज़ को सुनते हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के साथ कौन सा ईयर है वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप भी कोशिश किया करो कि जब कभी भी कोई एक्ट पढ़ो तो उस एक्ट के साथ जो ईयर है उसे बार बार मेंशन किया करो, ठीक है। चलो तो सेक्शन 2C ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बारे में बात करता है और ये कहता है कि पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर, किसी मैटर का पब्लिकेशन विच आइदर स्कैंडलाइजेस और लोअर डाउन द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, क्या है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब है पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर, किसी मैटर का पब्लिकेशन जो कोर्ट को अपमानित करता हो या जिसे छापा गया है कोर्ट के अपमानित करने के लिए, या जो मैटर आपने पब्लिश किया है उससे कोर्ट का जो अथॉरिटी है वो लोअर डाउन होता हो, या वो जो मैटर है और सच मैटर आइदर प्री जुडाइसिस एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जो कोर्ट के जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को पक्षपाती बताता हो या इंटरफेयर करता हो, ऑब्स्ट्रक्ट करता हो कोर्ट को इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के दायरे में आएगा। क्या कहा गया? पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर, सिंपल, क्रिमिनल कंटेम्प्ट मीन्स पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर, पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर विच आइदर चलो विच आइदर स्कैंडलाइजेस SCANDALIZES which either scandalizes or lower down authority of court or, तो पहला ये, दूसरा publication of such matter either prejudices any judicial proceedings और पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर विच आइदर प्रीजुडाइसिस एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, और इंटरफेयर करता हो और ऑब्स्ट्रक्ट करता हो द कोर्ट
इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। वो क्या है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, ठीक है। तो आई होप सिविल कंटेम्प्ट क्या है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, अगर आपको बोर्ड पे अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। देखो, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब है पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर विच आइदर स्कैंडलाइजेज और लोअर डाउन द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट और पब्लिकेशन ऑफ सच मैटर आइदर प्री जुडाइसिस एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और इंटरफेयर्स और ऑब्स्ट्रक्ट्स द कोर्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। क्या है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट, राइट। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो यानी हमारा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट है 1971 का, वो व्हाट इज कंटेम्प्ट नहीं डिफाइन करता है, ये सिंपली कंटेम्प्ट के दो टाइप्स के बारे में बात करता है, पहला सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। नाउ व्हाई देयर इज नीड, व्हाई देयर इज रिक्वायरमेंट कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को रिकॉग्नाइज करें और सफिशिएंट पनिशमेंट ग्रांट करें उस पर्सन को जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। देखो, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है बीइंग डिसरेस्पेक्टफुल और डिसोबीडियंट और नॉट शोइंग फेथ और बिलीफ इन जुडिशियल सिस्टम, राइट। अब देखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का रिकॉग्निशन और पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट नेसेसरी हो जाता है स्पेशली उस नेशन के लिए जो टोटली रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट पर बेस्ड है, जैसे हम, हमारा भारत, हम रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट पर काम करते हैं, राइट। तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को रिकॉग्नाइज करें और सफिशिएंट पनिशमेंट ग्रांट करें ताकि लोगों का जो फेथ है, लोगों का जो भरोसा है जुडिशरी पे, वो बना रहे। क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक नेशन चार पिलर्स पे डिपेंड होता है, राइट। और उन्हीं चारों पिलर्स में से एक है जुडिशरी, और ये जुडिशरी ही है जो क्या करता है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये जुडिशरी ही है जो लेजिस्लेचर अगर कोई एक्ट बनाता है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता हो या लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो तो उन एक्ट्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करता है, राइट। तो इट इज जुडिशरी विच कंटिन्यूअसली वर्क्स टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड वर्किंग टुवर्ड्स मेंटेनिंग पीस एंड हार्मोनी इन अ सोसाइटी। और लोगों का ये भरोसा कि उन्हें अगर कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है तो कोर्ट में उन्हें ज़रूर न्याय मिलेगा, तो इस भरोसे को बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को रिकॉग्नाइज करना और लोगों के इस भरोसे को बनाए रखना, राइट। तो इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लिख लो। Importance of recognition of contempt of court. इसमें आप लिखोगे recognition of contempt of court become necessary for a country, for a nation,
विच इज प्योरली बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ आगे आप लिखोगे among the four pillars of democracy it is judiciary which continuously works towards protection of fundamental rights of its citizens and working towards maintaining peace and harmony in a society It is people's belief that court is only place where they get justice. So to retain आगे आप लिखोगे टू रिटेन पब्लिक फेथ एंड मेंटेनिंग पीस एंड हार्मोनी इन अ सोसाइटी देर इज नेसेसिटी टू रिकॉग्नाइज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड ग्रांट सफिशिएंट पनिशमेंट टू द कंटेम्प्ट होल्डर्स राइट ये हो गया अब देखो अगर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हिस्ट्री को देखें तो कौटिल्या ने भी यानी चाणक्य ने भी अपने किताब अर्थशास्त्र में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को रिकग्नाइज किया था उन्होंने अपने बुक अर्थशास्त्र में ये लिखा कि एनी पर्सन कोई भी पर्सन हु एक्सपोजेज द किंग जो किंग को एक्सपोज करता हो जो राजा को एक्सपोज करता हो या उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंसल्ट करता हो या किसी प्रकार का कोई बैड अटेम्प्ट करता हो किंग के ऊपर तो उसका केवल और केवल एक ही पनिशमेंट है दैट हिज टंग शुड बी कट ऑफ राइट तो ये है नाउ अब लिख लो व्हाई देयर इज नीड टू रिकॉग्नाइज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जैसे टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ कोर्ट कोर्ट के डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को रिकॉग्नाइज करना दूसरा टू रिटेन फेथ एंड कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक अपॉन जुडिशरी तीसरा टू मेंटेन डिग्निटी ऑफ लोअर कोर्ट के डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए और चौथा टू मेंटेन ऑर्डर इन सिस्टम एंड सोसाइटी Right, so these are the object behind recognition of contempt of court. Right, अब देखो who can cause contempt? Contempt कौन कौन कर सकता है कोई lawyer, advocate, leader, judges भी
कोई स्टेट, कंपनी, फर्म, पार्टीज या कोई थर्ड पार्टी, राइट। तो ये आप लिख लो, ऑब्जेक्ट और हु कैन कॉज कंटेम्प्ट, लॉयर, एडवोकेट, लीडर्स, जजेस, स्टेट, कंपनी, फर्म, पार्टीज और एनी अदर पर्सन, राइट। चलिए, नाउ देखो वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें एक एडवोकेट को गिल्टी माना जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्ड में। व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन एडवोकेट हेल्ड टू बी गिल्टी फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखो किसी भी एडवोकेट का ये पर्टिकुलर एक्टिविटी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आएगा, ये पर्टिकुलर एक्टिविटी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में नहीं आएगा। ये क्लियरली हमारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 में नहीं दिया है। तो जजेस इंटरप्रेट करेंगे, जजेस रिकॉग्नाइज करेंगे कि एडवोकेट का कौन सा एक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आएगा और कौन सा एक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में नहीं आएगा। यानी इट इज टोटली मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन बाय जजेस दैट विच एक्टिविटी ऑफ एडवोकेट शुड बी कंसीडर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, राइट। तो यानी ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इसका एक वॉइड इंटरप्रिटेशन है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज अ वॉइडर एक्सप्रेशन, राइट। अब देखो यहां सिंपल समझाने की कोशिश की गई है कि काउंसिल हु एडवाइसेस हिज क्लाइंट, अगर एक एडवोकेट अपने क्लाइंट को एडवाइस दे रहा है कि आप कोर्ट के ऑर्डर को मत मानना, डिसरेस्पेक्ट करना, तो उसका ये जो एडवाइस है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आएगा, राइट। या अगर एडवोकेट जुडिशरी पर अटैक करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आएगा। या एडवोकेट से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जजेस के द्वारा, उन क्वेश्चंस का आंसर एडवोकेट नहीं कर रहा है, तो ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ही दायरे में आएगा। तो यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, इट इज टोटली मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन बाय द जजेस, राइट। लिख लो आगे, स्कोप ऑफ पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई एडवोकेट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसे क्या पनिशमेंट मिलेगा। देखो, पनिशमेंट दैट कैन बी गिवन टू एन एडवोकेट इज गिवन अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961। देखो आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 215 के तहत हाई कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट दे सकता है, राइट। सेक्शन 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 कहता है, कंटेम्प्ट मे बी पनिश्ड आइदर बाय सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months और फाइन ऑफ ₹2,000 और बोथ। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 का जो सेक्शन 12 है वो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है तो उसे मैक्सिमम 6 months का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और ₹2,000 तक का जुर्माना लग सकता है या दोनों हो सकता है। लेकिन पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर कंटेम्प्ट शैल नॉट एक्सीड 6 months, 6 महीने से ज़्यादा तक
उसे जेल में नहीं रखा जाएगा फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, राइट। अब जैसे हमारे पास एक केस है मोहम्मद सफी एडवोकेट वर्सेस चौधरी कादिर बख्श। इस केस में कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया, ये कहा कि अगर एक एडवोकेट किसी प्रकार का बर्बरिक या इनडिसेंट लैंग्वेज यूज करता है कोर्ट में, तो ये क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आएगा, राइट। तो लिख लो, सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन एडवोकेट विल बी हेल्ड गिल्टी फॉर कंटेम्प्ट, सर्कमस्टांसेस इन विच एन एडवोकेट विल बी हेल्ड गिल्टी फॉर कंटेम्प्ट। तो इसमें आप लिखोगे अ काउंसिल हु एडवाइसेस हिज और हर क्लाइंट टू डिसओबे द ऑर्डर ऑफ कोर्ट is held liable for contempt it is court which time to time expends the स्कोप ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एग्जाम्पल में आप लिखोगे अटैकिंग द जुडिशरी हेल्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, रिफ्यूजल टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द कोर्ट ऑल्सो अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। नाउ Now, what are the scope of punishment for contempt of court? तो इसमें आप लिखोगे कि हमारे contempt of courts act 1971 का जो section 12 है वो ये कहता है कि contempt of court के लिए maximum 6 months का imprisonment और 2000 रुपये तक का फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है, लेकिन जो imprisonment है वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं होगा। फिर एक केस है मोहम्मद सफी एडवोकेट वर्सेस चौधरी कादिर बख्श। इस पर्टिकुलर केस में यही कहा गया कि अगर एडवोकेट कोई इनडिसेंट या बार्बरिक लैंग्वेज यूज करता है इन कोर्ट, तो इसमें आप लिखोगे बार्बरिक और इनडिसेंट लैंग्वेज यूज्ड बाय एडवोकेट इन अ कोर्ट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, राइट। अब देखो हमारे पास एक केस है पुष्पा बेन एंड अदर्स का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने पुष्पा बेन एंड अदर्स के केस में यह कहा कि हमारा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 है वो स्पेशल पावर देता है कोर्ट्स को कि वो इम्प्रिजनमेंट इम्पोज करें, और कोर्ट मस्ट गिव स्पेशल रीजन विथ प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड व्हाइल गिविंग अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 स्पेशल पावर देता है कोर्ट्स को कि जो कोर्ट्स हैं वो
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्ड में इम्प्रिजनमेंट ग्रांट कर सकते हैं। लेकिन इम्प्रिजनमेंट क्यों ग्रांट किया, कितना ज़रूरी था उस पर्टिकुलर पर्सन को इम्प्रिजनमेंट ग्रांट करना, ये सभी चीज़ें मेंशन करेगी कोर्ट राइटिंग में। तो देयर मस्ट बी प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड कि उस पर्सन को जेल में रखना ज़्यादा ज़रूरी था, राइट। दीज रीजंस मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट्स, राइट। क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्ड में इम्प्रिजनमेंट हमारा एक्सेप्शन है, जबकि फाइन एक रूल है। तो फाइन इज अ रूलिंग वॉइल, इम्प्रिजनमेंट इज एन एक्सेप्शन इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, इम्प्रिजनमेंट ग्रांट करेंगे। अगर एक पर्सन बार बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है इम्प्रिजनमेंट में रखना। लेकिन रूलिंग क्या कहता है, रूलिंग कहता है कि सबसे पहले आप फाइन इम्पोज करोगे, राइट। और अगर आप इम्प्रिजनमेंट में उसे रखते हो तो आपको रीज़न रिकॉर्ड करना होगा, आपको ये शो करना होगा कि कितना ज़रूरी था उस पर्सन को इम्प्रिजनमेंट में रखना, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट इन पुष्पा बेन एंड अदर्स के केस में ये कहा held that to impose imprisonment court must give special reason with proper application of mind while giving imprisonment आगे आप लिखोगे, इट फर्दर स्टेटेड दैट सेंटेंस ऑफ फाइन इज अ रूल इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट व्हाइल इम्प्रिजनमेंट इज एन एक्सेप्शन, राइट। अब देखो एक और केस है हमारे पास विनय चंद्र मिश्र का, इन री विनय चंद्र मिश्र देखो विनय चंद्र मिश्र के मैटर में इसमें क्या हुआ था, देखो इसमें हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सीनियर एडवोकेट का जो लाइसेंस है उसे सस्पेंड कर दिया ऑन ग्राउंड्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उस सीनियर एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को चैलेंज कर दिया इन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को ओवर रूल कर दिया गया। इट वॉज हेल्ड दैट पनिशमेंट फॉर एंड established contempt of court committed by an advocate could not include punishment to debar him from practice. इस particular matter में यानी विनय चंद्र मिश्र के केस में यह कहा गया कि आप contempt of court के लिए, सुप्रीम कोर्ट contempt of court के लिए किसी एडवोकेट को डी बार नहीं कर सकता है फ्रॉम प्रैक्टिस।
और उसके लाइसेंस को सस्पेंड नहीं कर सकता है। इट कैन ओनली बी डन बाय कंसर्न स्टेट बार काउंसिल, केवल स्टेट बार काउंसिल ही कर सकता है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही कर सकता है अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961। सुप्रीम कोर्ट हैव नो पावर टू कैंसिल हिज लाइसेंस, टू सस्पेंड हिज लाइसेंस, राइट। इसमें लिख लो, सुप्रीम कोर्ट सस्पेंडेड, सुप्रीम कोर्ट सस्पेंडेड द लाइसेंस ऑफ, द लाइसेंस ऑफ सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट कैंसल्ड या सस्पेंडेड द लाइसेंस ऑफ सीनियर एडवोकेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, this decision was challenged in Supreme Court Bar Association, and was overruled, It was held that punishment for an established contempt of court, punishment for an established contempt of court committed by advocate could not include punishment to debar him from practicing, because this power is given to concerned state bar council and bar council of India under advocates act 1961. To ye tha contempt of court. Is particular lecture mein contempt of court ke exact meaning kya hai case laws ke through, aur agar long question aata hai to aap is tarah se agar aap ja kar ke wahan present karte ho to aapko full marks milega। तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस आपको किसी भी वे में हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।